अस्सलाम वालेकुम अरवान। तो आप में से तकरीबन सभी बच्चे जो हैं वो अपनी एमडीकैट की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, और जैसे कि मुझे पता चला है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं अपनी प्रॉपर एक रूटीन जो है उसको सेट नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि आपने क्लासेस लेनी होती हैं, बहुत से बच्चों ने फिजिकल सेशन ज्वाइन किया है, बहुत से बच्चों ने ऑनलाइन किया है, कुछ लोग घर पर तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे भी है, आप लोग उसे अपनी रूटीन सेट नहीं हो रही, और उसके उसमें है कि आपको मसला आ रहा है कि आप सारा जो है कैसे सिलेबस कवर करेंगे, कब तक कवर करेंगे, और फिर प्रॉपर अपनी मतलब बेहतरीन तरीके से तैयारी किस तरह करेंगे। तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में एमडीकैट की रूटीन शेयर की थी, लेकिन आई थिंक वो आपके लिए शायद इतनी हेल्पफुल ना रहे, क्योंकि वो मेरी रूटीन थी और उससे उसका मकसद सिर्फ आपको एक आइडिया देना था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे फॉलो करके आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं, अपनी डेली रूटीन बना सकते हैं, ठीक है। उसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आपका आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलेगा, और आपका बाकी जो है आपकी हेल्थ वगैरह का भी हर चीज़ का इंशाल्लाह उसमें पूरा ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम लोग टाइम टेबल के बारे में मतलब टिप्स बताऊंगे कि किस तरह आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में वीडियो के जो सेकंड हाफ है उसमें बताऊंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर पर तैयारी कर रहे हैं और अकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की हुई उन्होंने, तो उनके लिए कुछ गाइड है जो कि वीडियो के सेकेंड हाफ में होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में हम बात करते हैं टाइम टेबल आपने किस तरह अपना सेट करना है, किस तरह अपनी रूटीन जो है अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है। अब जो शेड्यूल है ना वो एक है कि ओवरऑल जो आपने मतलब कितनी देर में आपने अपना सिलेबस कवर करना, आपकी डेस्क की जो भी डेट है तब तक आपने अपना सारा सिलेबस भी कवर करना है, और उसके बाद अपनी रिवीजन भी करनी है, ठीक है। तो उस लिहाज से आपने एक शेड्यूल बनाना है कि ओवरऑल जो आपने पूरा जितने भी आपके पास दिन है, 30 डेज हैं, 40, 50 या 60 जितने भी डेज बाकी हैं, ठीक है। एक तो आपने उसका शेड्यूल बनाना है, दूसरा आपने डेली बेसिस का बनाना है कि हर दिन में आपने कितना कितना काम करना है और किस टाइम पर क्या करना है, ठीक है। तो अब हम अगर डेली बेसिस की बात करें ना, तो गाइज इसमें यह है कि बहुत से बच्चे मुझे कमेंट्स में बार बार यही कहते हैं कि आप ही हमारा शेड्यूल बना दें, ठीक है। तो पहली बात ये कि मैं आपका शेड्यूल नहीं बना सकती, क्योंकि आई डोंट नो कि आपकी क्लासेस किस टाइम पे हो रही हैं, आप किस टाइम पे आपका घर का माहौल कैसा है, आपको किस टाइम पे पढ़ना आप मतलब ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, आपकी मतलब क्या आपका पढ़ाई का स्टाइल क्या है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपका शेड्यूल बनाऊँ, ठीक है। तो बात यह कि आपने अपना शेड्यूल खुद बनाना है, मैं आपको गाइड करूँगी, टिप्स दूँगी कि आपने किस तरह बनाना है, आप उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी एक टाइम टेबल अगर मैं यहाँ पे बना भी दूँ तो आई डोंट थिंक इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आप में से फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग मी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम टेबल जो है वो सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाए, राइट। और वैसे भी आपकी फॉर एग्जांपल अगर एक छोटी सी बात ले लें कि आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग्स हैं हर स्टूडेंट की डिफरेंट हैं, तो उस लिहाज से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक शेड्यूल बनाऊं जो कि सबके ऊपर अप्लाई हो जाए, और हर किसी को अलग अलग मैं बना के दे भी नहीं सकती, ठीक है। तो आपने खुद बनाना है, और जो आगे जो टिप्स बता रही हूँ उनको सुने ताकि आप अपना प्रॉपर शेड्यूल बना लें। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है आपने इस तरह से शेड्यूल बनाना है, या आपने हैंड रिटन बनाना है, ठीक है। इसको नोट करें और अपनी वॉल के ऊपर पेस्ट कर लीजिएगा जब आप बना लेंगे प्रॉपर। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स क्या हैं। अब हर स्टूडेंट की डिफरेंट क्लासेस की टाइमिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की क्लासेस इस तरह से हो रही हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स है, जिसमें आपने फिजिकल चाहे ले रहे हैं या ऑनलाइन जो उन सब आपने सेशन ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। उसके बाद यह कि अब आपने 8 बजे से लेकर 2 बजे का जो टाइम है ना उसमें आपकी क्लासेस होनी है, बाकी अब आप जो है इसी आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसमें आपने सोना भी है, अपनी हेल्थ और हाइजीन का भी ध्यान रखना है, और पढ़ना भी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ लेक्चर्स लेने से आप एमडीकैट क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है, ठीक है। अब जो है यह कि गाइस आपने अपना टाइम जो है ना उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, टाइम ज़ाया नहीं करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, बिल्कुल फजूल है, उसको छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोन के ऊपर सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह है, उसको आपने बेशक आप उसके ऊपर कुछ गलत नहीं देख रहे हो, बट इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है। तो आप उसको ना लॉग आउट कर दो, इट इज़ माई एडवाइस। मैंने भी लास्ट ईयर अपना इंस्टाग्राम जो था उसको लॉग आउट कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा था। तो आई विल सजेस्ट कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो ना, उसको छोड़ दो, ठीक है, ताकि आप उसी टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो और पढ़ाई के ऊपर टिकाओ। अब यह कि आपने अपनी क्लास की जो टाइमिंग्स हैं सबसे पहले उनको लिखना है कि आपकी क्लास की टाइमिंग्स हैं क्या। फॉर एग्जांपल अगर किसी की 8 बजे से 2 बजे तक हैं, किसी की 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हैं, तो आपने सबसे पहले अपने शेड्यूल में अपनी क्लास की टाइमिंग्स लिखनी है, ठीक है। अब नीचे उसके बाद आपने अपनी स्लीप टाइमिंग्स लिखनी है कि आपने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक सोना है, या आपने प्लान करना है,
ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आधा घंटा एक या 10-15 मिनट 20 मिनट इस तरह हो सकता है, बट एक आपने अंदाजे के लिए आपने लिखना है कि मैंने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक सोना है, ठीक है। और आपने अपनी हेल्थ के ऊपर और अपनी स्लीप टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, 7 घंटे कम से कम आपने जरूर सोना है। और इट सीम्स लाइक अ स्टूपिड आइडिया कि मैं बोलूँ कि आप सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे सो जाओ, ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। इससे आपका आपकी हेल्थ का नुकसान होगा और ना आप अच्छी तरह पढ़ पाओगे, एंड पे आपका नुकसान होना है। अपनी स्लीप के ऊपर हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो टॉपर्स होते हैं वो भी अपनी स्लीप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम है, मतलब कि 6 घंटे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्लासेस हो रही हैं, 8 घंटे का टाइम सोने का है और 2 घंटे उसमें आपने अपनी हेल्थ और हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है 2 घंटे मजीद देखें आपने अपने शेड्यूल में रखते हैं जिसमें अपने आपको रिलैक्स कर सकें। 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा जिसमें आपने, ठीक है, आपने पढ़ना नहीं है, आपने ना तो कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आपको, मतलब कोई बड़ा काम नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फ्रेश करती है, एंटरटेन करती है, फ़ोन के ऊपर कोई वीडियो देखना, किसी दोस्त से बात करना, या घर में ही लाइक आउट घर में लॉन वगैरह में जाना, इस तरह आई मीन वॉट एवर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स करती है, उसके लिए आपने टाइम ज़रूर निकालना है ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जब आप पढ़ने बैठो तो आपका माइंड फ्रेश हो, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर पढ़ सको। और अगर कुछ भी नहीं ना करना तो इन 2 घंटों में लेट जाओ, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद अब आपके दिन में बाकी बचते हैं तकरीबन 6 घंटे, तो 6 घंटे आपने सेल्फ स्टडी के ऊपर लगा देने, राइट। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि आपने कितना कितना टाइम क्लासेस को, स्लीप को, हेल्थ को, रिलैक्सेशन के टाइम को, स्टडी को, सेल्फ स्टडी को कितना देना है, तो इस तरह आपने अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है। ये आवर्स हमने इस तरह से काउंट करना है। और आई नो कि इट विल बी वेरी हैक्टिक फॉर यू कि आप इतना हर रोज अगले इतने 30 या 40 जितने भी दिन आपके पास उसमें आप इतना हैक्टिक शेड्यूल जाए उसको फॉलो करें, लेकिन बात यह है कि आपने अपने गोल को अपने सामने रखना है, ठीक है। आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, आपका MDCAT क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका MBBS में एडमिशन भी हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपने इस मोमेंट के ऊपर आकर, इन लास्ट डेज के ऊपर आपने आकर अपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। बेशक आपको रूटीन बनाना मुश्किल लग रहा है, पढ़ना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपने ये शर्त यह है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। जो बच्चे इस टाइम पर डेडिकेटेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और अपने गोल के ऊपर फोकस करेंगे, मुश्किलों के ऊपर फोकस करने के बजाय गोल के ऊपर फोकस करेंगे ना, उनका ही एडमिशन होना है, ठीक है। तो खुद पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला से दुआ करो और थिंक अबाउट द रिवॉर्ड, उस इनाम के बारे में सोचो जो आपको इतना सारा हार्डवर्क, इतने सेक्रीफाइसेस करने के बाद मिलेगा, ठीक है। अब एक सैम्पल टाइम टेबल, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि आई थिंक अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो फिर इसको फॉलो कर लो, अदरवाइज इट्स बेटर कि आपको जो मैंने पहले टिप्स बताई ना उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की क्लासेस जो हैं वो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हो रही हैं, तो उसके बाद आपने 2 बजे से लेकर जो 4 बजे तक का टाइम है उसमें आपने आपका ट्रैवलिंग या आपने घर आकर खाना खाना है, रेस्ट करना है, नमाज़ पढ़नी है, वो टाइम जो है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप जो है उसके उसमें आपने पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। उसमें आपने आप अपना जो बाकी ट्रैवलिंग, खाना खाना वगैरह या रेस्ट करना है वो करना है। और अब आप ही डिपेंड करते हैं कि आप 2 बजे आपके अगर क्लास ख़त्म हो रही है तो आप घर आकर 3:30 पढ़ाई शुरू करते हो या 4 बजे शुरू करते हो या 4:30 शुरू करते हो, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। और अब आपने 4:30 से लेकर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4:30 पे स्टार्ट करते हो तो आपने रात के 11 बजे तक या 10:30 तक जब तक भी आप मतलब मैनेज कर सकते हो ना अपनी कैपेसिटी के लिहाज से तब तक आपने पढ़ना है, ठीक है। उस पढ़ने में आप दरमियान में शॉर्ट ब्रेक्स, लाइक अगर आप 50 मिनट पढ़ रहे हो ना तो आपने 5-10 मिनट का ब्रेक लेना, उसमें किताब बंद कर देनी है और कुछ भी मतलब जस्ट रिलैक्स, गहरे सांस लो, ठीक है। और फिर दोबारा से पढ़ाई शुरू करो 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है। दरमियान में कोई नमाज आ रही है तो आपने नमाज पढ़नी है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ रहा है तो भी आपने दरमियान में कर लेना है, बट ये कि ये टाइम आपने अपना पढ़ाई के ऊपर लगाना है और फ़ोन वगैरह से जितना मतलब कि फ़ोन से मराद कि आप सोशल मीडिया वगैरह से जितना दूर रह सकते हैं ना इस टाइम में दूर रहें, ठीक है। उसके बाद आप ही डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइम सो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10:30 या 11 बजे से लेकर 6:30 तक सो रहे हो तो उस टाइम में आपने फिर सोना है और फजर की नमाज़ के लिए जाहिर है आप उठ जाओगे तो मतलब नमाज आपने खुद अंदर से आता टाइम एडजस्ट करते जाना है, ठीक है। फिर आपकी क्लास जो है वो 8 बजे शुरू होनी है तो आप 6:30 से लेकर 8 बजे का टाइम उसमें आप अपना अकेडमी वगैरह के लिए आप तैयार हो रही हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के लिए वो सर आपका टाइम जो है ना वहाँ पे लग जाएगा। तो उसमें आपने ये सिर्फ एक टाइम टेबल है, एक सजेशन है कि आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह करना है तो फिर इसको फॉलो करो, अदरवाइज इट्स बेटर टू मेक योर ओन। और अब ये कि इन जो आपके सेल्फ स्टडी का जो टाइम है ना इसमें आपने कैसे करना है, मतलब बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सब आपने कैसे मैनेज करना है, तो
अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लेक्चर को ध्यान सुनोगे ना तो आपको आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप घर में आकर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव तरीके से आप उसको कम टाइम में भी ज़्यादा प्रिपेयर कर लोगे। अगर आप लेक्चर को ध्यान से ना सुनोगे फिर आपको घर में आकर एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा और फिर बहुत मसला होगा, क्योंकि जब आपका सिलेबस पाइल अप होता जाएगा ना, रोज़ का काम आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, फिर आपको टेंशन होगी। ठीक है, तो इसके इससे बचने का एक ये तरीका है कि आप लेक्चर को ध्यान से सुनो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो टीचर से पूछो और अपने जो डाउट्स हैं ना उसको क्लियर करो, ताकि घर आकर आपने सिर्फ ये करना हो कि आपने मैक्सिमम जो पढ़ना है ना वो आपको आपको समझ आ गया हो, आपने सिर्फ उसको तैयार करना है, बुक से रीडिंग करनी है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने नोट किए हैं ना सर के लेक्चर से उनको आपने तैयार करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 घंटे बायो को दे रहे हो और 1 घंटा 45 मिनट केमिस्ट्री को, 1 घंटा 45 मिनट फिजिक्स को दे रहे हो, जस्ट अ सजेशन, ठीक है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, सकता है आप बायो को 1.5 घंटे में कर लो, हो सकता है आप फिजिक्स के ऊपर 2 घंटे लगा लो, टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी और ये भी कि चैप्टर कितना लंबा है, उसकी लेंथ कितनी है, कि ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना जाहिर है। तो इंग्लिश के लिए आपने 30-40 मिनट्स जरूर रखते हैं, ठीक है। अब लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आपने 30-40 मिनट्स रखते हैं, तो इससे आपका स्टडी टाइम सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो 6-7 घंटे बन रहा है एक दिन में। और गाइस ये कि अगर आपको 4 घंटे भी सेल्फ स्टडी के मिल रहे हैं ना, तो उन 4 घंटों को भी अच्छी तरह यूटिलाइज करो, उसमें भी आपने पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना, जितना टाइम मिल रहा है ना वो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें स्ट्रेस लेने से उस टाइम को ज़ाया नहीं करना, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितना आपकी कैपेसिटी के लिहाज से जितना या जितना आपको मिल रहा है ना उस टाइम में आपने पढ़ना है, ओके। और अब एक और बात, अगर किसी की क्लासेस इवनिंग में हो रही है, मतलब 12 बजे से लेकर अगर 5 बजे तक इस टाइम पे हो रही है ना, तो फिर आप सुबह का जो टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर या 7 बजे से लेकर 12 बजे से पहले पहले तक, तब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और अगर आपकी 6 बजे शाम के 6 बजे क्लासेस ख़त्म हो रही हैं तो आप घर आकर कुछ देर रेस्ट करके तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 8 बजे से लेकर 11 बजे का जो टाइम है ना उसमें भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो इसका खुद टाइम यूटिलाइज करना है, जहाँ भी आपको लगे कि ये टाइम है इसमें पढ़ सकती हूँ तो पढ़ लो, आधा घंटा भी आपको दरमियान में मिल रहा है ना तो पढ़ लो, ठीक है। अब इस तरह ये कि एक और चीज़ कि आने जाने का, अगर आप फिजिकल सेशन ज्वाइन किया ना तो आने जाने में अगर ट्रैवलिंग का जो टाइम है, बच्चे कहते हैं कि ट्रैवलिंग का टाइम जो है उसमें बहुत मतलब आपका टाइम वो वेस्ट होता है, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं मैट्रिक में भी और FSC में भी और MDCAT में भी जितनी देर मेरा फिजिकल सेशन रहा था शुरू में, तब तक हम आने जाने का जो टाइम था ना उसमें भी हम पढ़ते थे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप पढ़ाई कर लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोग आपको बातें करेंगे कि तुम क्या अभी पढ़ो, बट अकॉर्डिंग टू मी आपने लोगों की बातों के ऊपर या अपनी फ्रेंड्स की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने अपना अगर उस टाइम को आपको लगता ना कि उस टाइम आप कुछ यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ रिवाइज कर सकते हो, वोकैबुलरी कर सकते हो इंग्लिश की, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या कोई अपने फॉर्मूला या फिजिक्स के रिवाइज कर सकते हो, केमिस्ट्री के रिएक्शंस रिवाइज कर सकते हो, तो करो, ठीक है। डोंट पे अटेंशन के लोग क्या कह रहे हैं, आपने अपने जो गोल है, जो आपने अपना प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह आने जाने का जो टाइम है ना उसमें भी आप कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर सकते हो। और इसके बाद अब यह कि अगर आप जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो आपने फिर ब्रेक लेना है, 1 घंटे का ब्रेक 2 घंटे का ब्रेक, उसमें आपने पढ़ाई नहीं करनी है, खुद को रिलैक्स करना है, अपने आप से कुछ बातें करनी है, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, जो भी लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, उनसे उनको बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो इंशाल्लाह दे विल मोटिवेट यू। और ये कि अपने आप से बात करो, एक सेल्फ टॉक होता है ना कि अपने आपको बताओ कि आई कैन डू इट, बस मुझे अब मेहनत करनी है, इंशाल्लाह अब अगले महीने MDCAT हो रहा है, मैं तैयारी करूँगा या करूँगी और मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो इस तरह को मोटिवेट क्या करो। आई थिंक दैट इज द ट्रिक विच आई यूज्ड और इट एक्चुअली हेल्प मी अलॉट, ओके। आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड फाइनली आई डिड इट, राइट। अब ये कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, फिजिकल ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, हर चीज़ को समझना है। और ये बात कि अब नोट क्या करना है, बच्चा यही पूछ रहे हैं कि क्या सारा लेक्चर नोट करने की जरूरत है, रजिस्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नोट्स के ऊपर ना एक अलग वीडियो बना दूंगी, बट अभी के लिए ये सुन लो कि नोट्स है ना वो आपने इस तरह से बनाने हैं कि जो भी आपकी ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि सर ने अभी बताया जो आपकी किताब में मेंशन नहीं है, ठीक है। आपने किताब FSC में पढ़ी और यह तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि आपकी किताब क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। वैसे भी लेक्चर्स के दौरान ना किताब खोल के रख लिया करो, जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं तो पता चल जाता है कि आप बुक में है क्या नहीं लिखा। अगर कोई ऐसी चीज जो बुक में नहीं लिखी ना, जो सर बता रहे हैं कोई एक्स्ट्रा या कोई शॉर्टकट बता रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लो, राइट। और उसके अलावा पूरे का पूरा लेक्चर A to Z छापने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके टाइम एनर्जी सब कुछ जाया होगा। उसके बेहतर है कि आप लेक्चर को सुनो, सुनने के ऊपर समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और जो भी चीज़ एक्स्ट्रा जो आपको लगता है कि मतलब कि आपको नोट करने की जरूरत है उसको सिर्फ नोट कर लो, हर चीज़ नोट करने की जरूरत नहीं है। और घर आकर आपने क्या
पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, और वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको सर ने बताए हैं, जो आपने नोट किए हैं, शॉर्टकट्स या कुछ भी, ठीक है, उसको आपने रिवाइज करना है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना के बैठ जाना जो एंड पे आप रिवाइज ना कर सको, सेल्फ स्टडी में आपको मुश्किल हो जाए। इसलिए बेहतर है कि कंसाइज इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टोर रखो, बुक और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं बस इनको आपने पढ़ना है। अब ये कि कोशिश करो कि आप साथ साथ ना MCQs की प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो फिर भी LCS की फिजिक्स के लिए आप ज़रूर प्रैक्टिस करो, और इस साल लॉजिकल रीजनिंग भी आ गई है तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आप प्रैक्टिस करो, इनके लिए कम से कम आप ज़रूर करो। और बहुत से बच्चों तो उनको इंग्लिश में मसला आता है, ठीक है। इंग्लिश लाइक मेरी इंग्लिश इतनी वीक नहीं थी, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट और MCAT में भी मेरे पूरे नंबर आ गए थे, लेकिन बहुत से बच्चों को ना इंग्लिश में मसला होता है। तो आप इंग्लिश के लिए फिजिक्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए ज़रूर MCQs की प्रैक्टिस कोशिश करो कि साथ साथ डेली की डेली। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने कोई 70-80 MCQs करना है, ऐसा नहीं करना। 70-80 MCQs चाहे आप ना भी करो, 20-30 MCQs जो होते हैं, जैसे किप्स की बुक में मेरे ख्याल से ऑन एवरेज 30 या 50 MCQs होते हैं, तो उतने भी आप कर लो ना तो हो जाता है। तो ये आपने करना है। और बायो जो है, बायो के लिए अगर आप अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हो, केमिस्ट्री के लिए अगर आप फिलहाल नहीं MCQs को प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अभी आप सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, यानी कि बुक से पढ़ने पर। और जब आपका एक मिनट बाद अगर आप अभी कुछ दिनों में सिलेबस कवर हो जाता है, तो फिर आप जब आप टेस्ट सेशन आपका होता है ना, तो टेस्ट में आप जाकर अपना, मतलब अगर मेरा सुबह टेस्ट है तो मैंने अभी रात को बैठकर किप्स किया, स्टेप की जो भी प्रैक्टिस बुक है वो निकाली और वहाँ से उन चैप्टर्स के MCQs प्रैक्टिस कर लिए, ताकि सुबह जब मैं टेस्ट दूँ तो मेरा फिर भी कुछ ना कुछ तैयार हो चुका होगा, ठीक है। इस तरह से आपने एडजस्ट करना है, और घबराना नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेक्चर्स भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगी, सेल्फ स्टडी, MCQs प्रैक्टिस, सब कुछ हो जाएगा। बस ये कि आपने अपना टाइम जो है ना उसको यूटिलाइज करना है। अब ये कि उन बच्चों के लिए जो कि घर पे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कोई अकेडमी, कोई कोचिंग कुछ भी ज्वाइन नहीं किया और घर पे खुद बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हर साल जिनका एडमिशन हो जाता है खुद तैयारी करके, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात नहीं बोल रही, बाकी ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो घर में खुद तैयारी करते हैं, उनका एडमिशन भी हो जाता है, फ्रेश हो या रिपीटर हो जाता है एडमिशन। बस ये कि आपने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, आपको करेक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो फिर आपका हो जाएगा। अभी स्क्रीन के ऊपर ना मुझे यहाँ पे एक, मतलब कहीं से मिला था ये शेड्यूल इसी साल का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो आई थॉट कि मैं शेयर कर देती हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना कि इसमें 31 डेज में आपका पूरा सिलेबस है ना वो कवर कर रहे हैं, ठीक है, आपका सिलेबस कवर हो रहा है। और जो आपको टास्क दिया ना वो बहुत ही सारा टास्क है, मतलब कि एक आपको साइंस सब्जेक्ट्स में से मिलता है और साथ में आपको इंग्लिश या लॉजिकल रीजनिंग में से कोई एक चीज़ है वो आपने डेली का करना है। आप इसको फॉलो करोगे ना तो फिर भी आपकी तैयारी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेस्ट 15 सितंबर को या 20 सितंबर को है या जब भी है 30 सितंबर को जब भी है, तो फिर आप इस शेड्यूल को ना बहुत अच्छी तरह फॉलो कर सकते हो। और इसमें यह कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चैप्टर है कि आपने कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है अगर आप वो कर रहे हो, तो आपने उस चैप्टर का उस दिन सब कुछ करना है, उसका लेक्चर सुनना है, अगर आपको मतलब लेक्चर सुनने की जरूरत है तो लेक्चर सुनो, और उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको आपकी किताब में नहीं लिखे और लेक्चर में बताए गए थे उनको नोट करो, बुक से रीड करो, सेल्फ स्टडी करो, अपने उन नोट किए हुए पॉइंट्स को रिवाइज करो और MCQs की प्रैक्टिस करो, और फिर उसको शॉर्ट लिस्ट भी कर लो। अब शॉर्ट लिस्ट करने का जो तरीका है ना वो मैं आपको नोट्स टेकिंग वाली वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो आपने उस चैप्टर का सब कुछ फिर करना है, अगर आप एक दिन में एक साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर कर रहे हो ना, तो फिर उसका सब कुछ उसी दिन में कर लेना है, ठीक है। और ये कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने पढ़ना है। और ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि 20 डेज में सिलेबस ये वाला कवर करना है, तो ये जो शेड्यूल आपको देख रहे हैं ना, इसमें आप नीचे से कुछ चैप्टर्स ऊपर ऐड कर लो, यानी कि अगर आपको डे वन और डे टू में जो दो चैप्टर्स हैं ना उनको आप एक दिन में कर लो, तो इस तरह आप अपना खुद मैनेज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा आप इसमें मॉडिफिकेशंस करो, आपका शेड्यूल जो है ना उसके अकॉर्डिंग फिर आप मतलब थोड़ा कर सकते हो। आप 31 डेज में यहाँ पे सिलेबस कवर हो रहा है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो आप इसको 25 डेज में 20 डेज में भी कवर कर सकते हो। उसके बाद जो बाकी 9-10 डेज हैं उसमें आपका यहाँ शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस तरह की आपकी रिवीजन वगैरह हो रही है, फुल लेंथ पेपर्स हो रहे हैं, तो फिर वो आप मतलब कर सकते हो 10 डेज 15 डेज जितने भी आपके पास बचेंगे उसमें आपने रिवीजन भी कर लेनी है, ठीक है। अब आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह समझा दूँ। अब ये कि वो स्टूडेंट्स अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लेक्चर्स कहाँ से लेंगे? लेक्चर्स लेने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सी ऐसी सोर्सेज हैं जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स ले सकते हो। आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एक बहुत ही रिलायबल सोर्स मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज़ के सईद MCAT की वेबसाइट है, जो कि इसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, मैं
जो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। वहाँ पे भी जैसे कि www.saeedmdcat.com ये वेबसाइट है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर आपको किप्स और स्टेप अकेडमी के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत अच्छी अकेडमीज हैं किप्स और स्टेप, इनके लेक्चर्स मिलेंगे। आप किसी एक अकेडमी के जो लेक्चर्स हैं उनको सुनना शुरू कर दो, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। और अगर आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये लोग शेयर कर देते हैं लेक्चर्स को और टेस्ट को शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो आपको इन स्क्रीन के ऊपर इनके व्हाट्सएप नंबर्स भी शो हो रहे हैं, जहाँ पे आप एडमिन को मैसेज करोगे इनको और इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप कि ये आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दें, तो इंशाल्लाह वो आपको ऐड कर देंगे। यहाँ से आपको लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल, और होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आई ट्राई माई बेस्ट एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर आपकी क्लास जो है वो 8 बजे शुरू होनी है, तो आप